साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पेज मेकर में आप किस तरह से आसानी के साथ कोई भी आई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पेज मेकर के द्वारा आई कार्ड डिज़ाइन करने के लिए पहला काम में क्या करना होगा, फाइल मेनू में जाना होगा, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पेज साइज जो है इसको लेटर से हटा के A4 कर लीजिए। फिर उसके बाद इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन को आप ज़ीरो कर लीजिए, जिससे जो मार्जिन का बॉर्डर लाइन है वो हट जाए। अब आपके सामने इस तरह से विंडो बन गया। अब इस पर राइट क्लिक करिए और इसको कर दीजिए एक्चुअल साइज़। एक्चुअल साइज़ करने के बाद हैंड टूल के द्वारा आप स्पेस को ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर चाहे उधर कर सकते हैं। अब अगला काम में क्या करना है, हमें एक रिक्टेंगल बनाना है। रिक्टेंगल टूल लेते हैं, टूल बॉक्स से रिक्टेंगल टूल, और यहाँ पे हम एक रिक्टेंगल तैयार करते हैं इस तरह से। और इस रिक्टेंगल को उतना बड़ा करें जितना बड़ा आपको कार्ड चाहिए। अब फिर इस कार्ड को कॉपी कर लें और पेस्ट करें इस रिक्टेंगल को, और चेक करें क्या साइज़ परफेक्ट हो रही है। तो पेज ये भर रहा है, हाँ ये साइज़ परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर आई कार्ड तैयार करते हैं। तो आई कार्ड तैयार करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमें यहाँ तक मैटर टाइप करना है, तो जहाँ का हमें जिस इंस्टीट्यूट का आई कार्ड तैयार करना है उस इंस्टीट्यूट का नाम, और अब हम इसकी साइज़ को बड़ा करते हैं। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए आप ले लीजिए कंट्रोल पैलेट, और कंट्रोल पैलेट लेके आप इसकी साइज़ को अपने अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा छोटा करना चाहें उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है और कंट्रोल पैलेट से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन और ग्रेटर देन से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने पेज में। तो देखिए क्या ये सही लग रहा है, तो हमने इसको एडजस्ट किया। आप एरो की का भी सहारा ले सकते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड में हमें कोई कलर या डिज़ाइन लगानी है, तो अब हम क्या करें, यहाँ से रिक्टेंगल एक रिक्टेंगल और तैयार कर लें जिससे इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर या डिज़ाइन लगा पाए। तो अब हम एलिमेंट मेनू में जाके फिल पे जाके इसको सॉलिड कर देते हैं, और एलिमेंट में जाके स्ट्रोक पे जाके इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप चाहते हैं। जैसे आप ग्रीन चाहते हैं, ग्रीन सियान चाहते हैं, मैगेंटा चाहते हैं, तो जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप ले लें। और आउटलाइन, आउटलाइन का कलर हम आउटलाइन नहीं चाहते हैं, तो अब हम ओके कर दें, तो ऐसे बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो टेक्स्ट है ये, इस टेक्स्ट को इसके ऊपर लाते हैं। तो इसके लिए एलिमेंट में जाके, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। अब उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर दें। अगर आप अपने टेक्स्ट के कलर को, अपने टेक्स्ट के कलर को आप अलग करना चाहते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट टूल के द्वारा अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप टाइप मेनू में या आप विंडो में जाके यहाँ पे शो कलर मिलेगा, यहाँ से आप जो भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे हमने येलो दे दिया, तो इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या तैयार कर रहे हैं, जैसे हम आई कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, आप जो भी चाहें आई कार्ड। तो ये हमने बना दिया। अब हम इसको यहाँ ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं, ऐसे सेट हो गया। सेट होने के बाद अब अगला काम में क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमें नाम लिखना है, तो इसको ऐसे क्लिक करते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ABC जो भी नाम हो, मैं ऐसे ही कोई नाम यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। फिर फादर नेम, फिर उसके बाद फादर नेम भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस फिल कर देते हैं, जो भी एड्रेस है स्टूडेंट का, मैं यहाँ पे ऐसे ही कर दे रहा हूँ स्टूडेंट का एड्रेस। और फिर उसके बाद नीचे एक और बना सकते हैं आप, ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप बना के आप बना सकते हैं, जो भी है ब्लड ग्रुप आप वो लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप अगला काम यहाँ पे जैसे फ़ोटो लगानी इस एरिया पे, तो आप फाइल में चले जाएं और प्लेस पर चले जाएं। फाइल में जाके प्लेस पे जाएं और जहाँ पे भी फ़ोटो हो आपके कंप्यूटर में, अगर आपकी फ़ोटो कहीं पे भी है तो आप उस फ़ोटो को ले सकते हैं। जैसे देखते हैं सेव पिक्चर में है, नहीं है स्क्रीनशॉट में कोई पिक्चर, इसमें भी नहीं है, तो चलिए हम कहीं और देखते हैं। इसी में कंप्यूटर में कोई और पिक्चर होगी। तो जो भी फ़ोटो आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आप उस पिक्चर को बहुत ही आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद ऐसे ही कोई भी पिक्चर मान लीजिए, कोई पिक्चर है कि नहीं देखते हैं, कंप्यूटर में हो सकता है कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर होगी, या कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर ले रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में पिक्चर हमने रखा है ऑलरेडी, या आप अपने कंप्यूटर से कहीं से पिक्चर ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे मान लीजिए ये इसमें से कोई पिक्चर चाहिए, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे क्लोज करके फिर इसमें आके आप पेस्ट कर दीजिए। अब पिक्चर को आप कट कर लीजिए, पिक्चर में जितना आपको चाहिए आप उतना ही रखिए, बाकी एरिया कट कर दीजिए। और ये हमने लिया क्रॉप टूल, क्रॉप टूल लेके हमने जिस जो फ़ोटो चाहिए हमको वो फ़ोटो हमने ले लिया, और फ़ोटो लेके फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो कट कर दिया। कट करने के बाद हम यहाँ पे फ़ोटो को एडजस्ट करते हैं, फ़ोटो एडजस्ट हो गई। अगर हमें फ़ोटो पे बॉर्डर लगाना है तो आप रिक्टेंगल टूल ले लें और रिक्टेंगल लेके फ़ोटो के चारों तरफ आप ऐसे बॉर्डर लगा दें, ये फ़ोटो भी डिफरेंट लुक में आ जाएगी। अब करना क्या है आपको, शिफ्ट की प्रेस करना है और जितना भी टेक्स्ट आपने टाइप कर रखा है या जो भी आपने डिज़ाइनिंग बना रखी है उस सब पे आप क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद आप एलिमेंट में चले आएँ और ग्रुप कर लें। अब इसको आप कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप देखें तो आपका ये जो है तैयार हो गया है। इसको एक बराबर से कर लें और शिफ्ट की के साथ फिर दोनों को सिलेक्ट करें और फिर ग्रुप करें और फिर कॉपी और पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करके आप इसको रख लें अपने पेज में, जैसा आप प्रिंट करना चाहते हैं वैसा सेट कर लें। और ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया, फिर आप कॉपी पेस्ट करें, नीचे देखें कि एडजस्ट होता चला जा रहा है और ये पूरी तरह से सेट भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसे ही आप पूरा का पूरा आई कार्ड तैयार कर सकते हैं। और आई कार्ड को तैयार करने के बाद, चलिए ये नहीं आ रहा है जाने दीजिए, बस इतना ही करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा और दूर दूर करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें आई कार्ड इस समय आपके सामने बनकर तैयार है। आई कार्ड को आप बड़ा करके भी देख सकते हैं इस तरह से, जूम टूल को लेके आई कार्ड को आप बड़ा करके देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।